आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप कितना ज्यादा कर रहे हैं, आप बिहार के लिए भी कितना काम करवा दिए, आप सब दिन के लिए फिर हम लोग साथ हो गए, आप कभी इधर उधर नहीं होने वाले। नीतीश का अंदाज देखिए, उनका ये बयान सुनिए, जो ना बिहार की सियासत के लिए अलग है, ना ही बीजेपी वालों के लिए, और शायद ना ही लालू की पार्टी के लिए भी। लेकिन बार बार नीतीश कुमार की कैसेट का ये रिकॉर्ड बस एक ही धुन बजा रहा है कि भूल चूक माफ, जो गलती हुई सो हुई, लेकिन अब सब दिन के लिए बीजेपी के साथ रहेंगे। मानो सियासी गलियारों से मिली पलटीमार की उपाधि को वापस करना चाहते हैं। तभी तो जमुई में नीतीश कुमार के कैसेट ने पुराना राग अलापा तो पीएम मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अब वो तो झूठ फूट के बीच में हम एक बार साफ कर लिए थे, झूठ फूट के अपना बात करता है, जो काम हम ही लोगों का किया हुआ, तो उसके बाद तो हम देखे गड़बड़ करता है तो फिर छोड़ दिए। अब सब दिन के लिए फिर हम लोग साथ हो गए, आप कभी इधर उधर नहीं होने वाले। कहते हैं मुफाद परस्ती और मौका परस्ती जब फितरत बन जाती है तो इंसान अपनी जमीर का भी समझौता कर लेता है। खुद के वजूद को अपने ही हाथों अर्श से उतार कर फिर फर्श तक पहुंचा देता है। नीतीश बाबू की जिंदगी भी कुछ ऐसे ही मुकाम और अंजाम पर जा पहुंची है। तभी तो कभी जिसके नाव पर सवार होना भी अपनी तौहीन मानते थे, उसे ही अपनी डूबती हुई नाव को बचाने के लिए खेवनहार मान बैठे। देखिए जमुई में नीतीश कुमार कैसे पीएम मोदी को ही बिहार में अपने हर काम का श्रेय देने में कोई संकोच नहीं दिखा रहे हैं। तो जो काम किया है पास से लेकर के आगे तक, और केंद्र सरकार में 10 साल से हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप कितना ज्यादा कर रहे हैं, आप बिहार के लिए भी कितना काम करवा दिए, आप सोच लीजिए सड़क का काम, पुल का काम, कितना सब काम किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। तो ये सोच लीजिए कि हम लोग राज्य सरकार में काम करते हैं और केंद्र सरकार काम करता है और हर जगह के लिए काम करते हैं। अब सामने ही ना देख रहे हैं जी कैसा पुल है, ये पहले था, अब आप लोग पीछे ही ना, सामने देखिए। हाथों का इशारा देखिए, जो एक बार नहीं बार बार चल रहा है और हर बार क्रेडिट मंच पर मौजूद पीएम मोदी को दे रहे हैं। गजब है बिहार के सुशासन बाबू, जिनके हाथ कभी प्रधानमंत्री की रेस में उठा करते थे, आज वही हाथ पीएम मोदी की खुशामदगी में लगे हैं और पीएम मोदी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बता दें कि गुरुवार को जमुई में पीएम मोदी की चुनावी रैली थी, जहां से चिराग पासवान के जीजा और एलजेपी रामविलास पार्टी के उम्मीदवार अरुण भारती चुनावी मैदान में है। इस दौरान एक ओर जहां पीएम मोदी ने विरोधियों को आड़े हाथों लिया, तो वहीं नीतीश कुमार ने भी न केवल विरोधियों पर हमला बोला, बल्कि अपने इस भाव भंगिमाओं से पीएम मोदी के सामने चुनावी मनोरंजन के लिए अपना पुराना कैसेट भी बजाया और सबूत दिया कि अब हम सब दिन के लिए आपके साथ हैं।